रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर कर दूंगा। तमाम गैर मुल्की, तमाम परदेसी भाई इसमें शामिल होते हैं जी। मैं आपको एक चीज़ वादा कर दूं, कल एक भाई ने मुझसे पूछा, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ सुन लें। वो रहा जी, मैं डिलीवरी का वीज़ा लेकर अगर सऊदी आ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, और अगर मैं 2-4-6 महीने के बाद अगर मैं नई जगह के ऊपर नकल खफाला यानी कि अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहूँ तो क्या मैं ईज़िली करवा सकूँगा? तो मैंने बोला भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोलता है ये सऊदी ला के मुताबिक तो ऐसा है, अगर आप किसी के पास एग्रीमेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं तो 6 महीने अगर आप काम करते हैं, 6 महीने के बाद आप अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। मैंने बोला वो उस टाइम होता है जब आप कहीं किसी नई जगह के ऊपर नकल कफाला ट्रांसफ़र ले जाएंगे और वहाँ पर एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखेंगे। डायरेक्ट आप किसी भी कंपनी के वीज़े के तौर पर आएंगे तो वो आपसे भाई अपनी ही कंपनी में काम करवाएंगे। हाँ, वो अलग मामला है, इकामा एक्सपायर हो जाए और बाद में आप जा सकते हैं खरूज या नकल कफाला, अच्छा ये अलग मामला है, या कंपनी चली जाए रेड में और मसले मसाइल बन जाए। वैसे अगर आप भागेंगे या जो भी मसले मसाइल बनेंगे पीछे से आपका खरूज या हरूब, और अल्लाह ना करे मतलूब भी कर सकते हैं, ये तीन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है। बहरहाल तमाम मेरे परदेसी भाई अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी, और अगर कोई न्यू वीज़ा से आना चाहता है या आ चुका है वो भी, किसी भी खाली पेपर या किसी ऐसे पेपर के ऊपर साइन अंगूठा मत कीजिएगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या चाहे किसी कंपनी आपकी मिनत ही क्यों ना करते रहे, मैं ये आपको वाजिया कर दूँ, बाद में आपके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाती हैं। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखें जी, इकामा एक्सपायर, हरूब, मतलूब, बदून कफील, साई खास, आमल मंजली, मैंने वैसे कल रात को भी एक वीडियो शेयर की और उसमें मैंने डिटेल आपको बताई थी इकामा एक्सपायर की सूरत में नकल फाला वगैरह जो भी मामला थे, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो खाम खा लंबी होती जाएगी। बहरहाल इस न्यूज़ के मुताबिक ये है जी, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा, तमाम मेरे वो परदेसी भाई जिनके इकामे हरूब है या अल्लाह ना करे जी कोई किसी किस्म कंपनी का मसला है, कंपनी से भाग गए हैं, बाहर काम किए जा रहे हैं, यार आप, मैं आपको बोलूँगा अपनी तरफ से कि यार लीगल हो जाएं, लीगल तरीके से काम करें, लीगल तरीके से रहें। क्यों? सुन लें, जब आप डीपोर्ट हो जाएंगे फिर आपके ऊपर बहुत से मसले मिसाइल खड़े हो जाते हैं, आप सऊदी में इंटर हो सकेंगे नहीं। हाँ, अभी कुछ भाई सोच रहे होंगे भाई मैंने आना ही नहीं है, यार पाकिस्तान के जो हालात है ना, मैं आपको बोलता हूँ लीगल हो जाए, 6 माह की छुट्टी चलेगी, बाद में आप 6 माह पाकिस्तान में गुजारिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या मामला था यहाँ पर। तो बहरहाल जी, चलते हैं खबर के मतलब, फिर वही बात, चलते हैं खबर के मतलब। आपको साथ में मैं ये चीज़ बड़ी करके दिखा रहा हूँ, इसमें टोटल अगर फिगर की बात करें तो भाई 20,471 बंदे, 20,500 बंदा गिरफ्तार हुआ है, आप अंदाज़ा कर लें ये कौन से हैं। ये वजारत दाखिलिया की न्यूज़ होती है और कन्फर्म होती है। इसमें सर्र फहरिस्त मुखालफा निज़ाम अल इकामा, मैं दायरा लगाकर आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, मुखालफा निज़ाम अल इकामा, ठीक है, इनकी तादाद कितनी है, 12,972, तकरीबन 13,000 बंदा वो गिरफ्तार हुआ जिनका भाई इकामा एक्सपायर था। अच्छा, इसमें आगे मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद 4,822, यार तकरीबन 4,800 बंदा वो गिरफ्तार हुआ जो गैर कानूनी तरीके से सऊदीया से निकलता और दाखिल होता हुआ पकड़ा जाता है। आगे है जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, इस चीज़ के ऊपर ख्याल कीजिएगा, ये वो तमाम बंदे जो बदून कफील काम कर रखे हैं, कंपनी मुसस्सा वगैरह छोड़ दिया, भाग गए, बाहर काम किए जा रहे हैं, या साई खास आमल मंजली वगैरह वाले भी इसी में शामिल हैं जी। आप बाहर काम करते हुए पकड़े गए तो बदून कफील के जुमरे में रह के आपको डिपोर्ट किया जाएगा, मुखालफा निज़ाम अल अमल इसे बोला जाता है। और ये है जी 2,687, तकरीबन 2,700 बंदा। और एक चीज़ और जी, मैं आपको नीचे बड़ी करके दिखा रहा हूँ, शायद दायरा लगाकर तरहील, ये चीज़ मैं वाजह करता हूँ हर वीडियो में, ये क्यों करता हूँ सुन लें, तरहील वाले बंदे हैं जी 9,714, तकरीबन 97-98 सौ बंदा गिरफ्तार होता है जी एक हफ्ते में सऊदी अरेबिया से, बंदे तो 20,000 प्लस में गिरफ्तार होते हैं, 97-98 सौ बंदा भाई डीपोर्ट होता है एक 6-7 दिन के अंदर सऊदी अरेबिया से। तो तमाम मेरे परदेसी भाई जिनके इकामे एक्सपायर हैं, हरूब है, अल्लाह ना करे जी आप अपना लीगल हो जाएं, आप कैसे नकल फला करवा सकते हैं, क्या मामला हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप उसके ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी जो न्यू वीज़ा लेकर आना चाहते हैं वो अच्छा कोई अच्छी कंपनी का या आज़ाद अच्छा वीज़ा लेकर आएँ, कोई भी किसी किस्म की लोकल कंपनी में मत आइएगा, बाद में आप ज़ीलो ख़वार हो जाएंगे, ये पढ़ी लिखी बात है।